हे गाइस, तो आज मैं बनाने वाली हूँ फ्रेंच फ्राइज, वो भी बिल्कुल इजी तरीके से। 5 से 6 मिनट के अंदर आपको फ्रेंच फ्राइज बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने एक आलू लिया और उसको मैंने अच्छे से काट लिया, एकदम फ्रेंच फ्राइज जैसे दिखने में होता है मैंने वैसे ही काट लिया। उसके बाद गर्मा गर्म पानी लिया, पानी जैसे ही उबलना चालू हो जाए जो फ्रेंच फ्राइज है, जो आलू है वो हम उबालने के लिए दे देंगे 3 से 4 मिनट एकदम मीडियम फ्लेम पे। वाय दे पे आप कौन से शहर या गांव से मेरा वीडियो देख रहे हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड बाय द वे, यहाँ पे जो आलू है जो बॉयल्ड हो चुका है, तो मैं आलू को लूंगी निकाल के एक ट्रे में रख दूंगी। जैसे ही थोड़ा सा आलू सूख जाएगा ना, आप यहाँ पे फैन के नीचे रख सकते हो, 2-3 मिनट के अंदर आलू थोड़ा सूख जाएगा। हम डाल देंगे इसमें कॉर्नफ्लावर 2 चम्मच, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच लाल मिर्ची डाल दिया है और अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर दिया है। मसाला जो है बहुत अच्छे से इजीली मिक्स हो जाएगा क्योंकि आलू जो है ऑलरेडी मॉइस्ट रहता है। उसके बाद गर्मा गर्म मैंने तेल लिया है, जैसे ही तेल थोड़ा गर्म हो जाए हम इसे फ्राई करने के लिए छोड़ दिया है। एकदम डीप फ्राई करना है और एकदम मीडियम फ्लेम पे आपको इसको पकाना है 3 से 4 मिनट। तो मैंने दोनों साइड बहुत अच्छे से पका लिया है। जैसे ही थोड़ा सा ब्राउनिश दिखे ना, अगर आपको थोड़ा सा क्रिस्पी चाहिए तो आप एकदम लो मीडियम कीजिए, अगर आप गैस जो है फास्ट करोगे ना तो आपका जो फ्रेंच फ्राइज है वो बिल्कुल क्रिस्पी नहीं बनेगा, इसलिए लो मीडियम फ्लेम पे ही इसे पकाइए। उसके बाद गर्मा गर्म आप इसे सर्व कीजिए। मैंने ऊपर से थोड़ा सा यहाँ पे नमक छिड़क दिया है एंड मेरे पास यहाँ पे पिरी पिरी पड़ा हुआ था तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पिरी पिरी डाल दिया है। अगर आपके पास पिरी पिरी नहीं है तो आप इसे मैगी मसाला भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप इसमें स्किप भी कर सकते हो। सिर्फ नमक डाल के अच्छे से मिक्स करके आप गर्मा गर्म सर्व कीजिए, सबको पसंद आएगा, बहुत ईजी है बनाना में एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल पे। हमारा फ्रेंच फ्राइज जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बना है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय।